बाबा बागेश्वर घर वापसी करा रहे हैं 200 लोगों से कि घर वापसी कराई। बाबा बागेश्वर ने फिर करा दी घर वापसी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। बाबा ने 200 लोग बुलाए थे, उनकी घर वापसी करा दी। सुनिए बाबा को क्या कह रहे हैं, फिर से प्ले कीजिए। ये सनातन धर्म में पुनः अपनी संस्कृति को मानने का संकल्प लेने बागेश्वर धाम आए हैं। ये सनातन धर्म में पुनः अपनी संस्कृति को मानने का संकल्प लेने बागेश्वर धाम आए हैं। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं, 220 लोग, 220 ईसाई थे जिनकी घर वापसी कराई गई है। इसे फिर से प्ले कीजिए जरा स्टार्ट से। बाबा क्या बात कर रहे हैं सुनिए। जो बीच बीच में चर्च जाते थे, सभी ईसाई नहीं बने। कौन कौन ईसाई बना, हाथ उठाओ। ईसाई मतलब धर्म परिवर्तन। हाँ, दो और उठाओ, कोई संकोच नहीं, उठाओ। इतने लोग हैं, बाकी चर्च कौन कौन जाता था आप लोगों में से, हाथ उठाओ। चर्च जो उनका वो है, 220 लोग जो बीच बीच में चर्च जाते थे, सभी ईसाई नहीं बने। कौन कौन ईसाई बना, हाथ उठाओ। ईसाई मतलब धर्म परिवर्तन। हाँ, दो। अब देखिए कैसे घर वापसी हुई। बाबा ने उसके बाद सबको, जो लोग बैठे हैं उनको टीका लगाया, उनको पीले रंग का एक वस्त्र पहनाया, अंगवस्त्र, ये आप देख रहे हैं, टीका लगाया गया इन सबको। ये 200 से ज्यादा लोग, 220 लोग, 60 से ज्यादा परिवार, 60 से ज्यादा परिवारों के लोग थे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। उसके बाद बाबा ने इस तरह से चावल फेंके लोगों के ऊपर, पूजा संपन्न होने के बाद, और इनकी घर वापसी करवाई गई। तो बाबा का हिंदू राष्ट्र का जो मिशन है, उस हिंदू राष्ट्र के मिशन में ये शामिल है कि लोगों की घर वापसी करवाना। तो ये लोग कौन थे, कहां से आए, कैसे इनकी घर वापसी करवाई गई, ये देखिए जरा। बागेश्वर धाम में ये 220 लोग पहुंचे थे और 62 परिवार के लोग थे जिन्हें हिंदू धर्म में वापस लाया गया। 4 बसों में भरकर ये लोग बागेश्वर धाम पहुंचे पहले। और घर वापसी करने वाले लोग मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहने वाले, सागर जिले के 4 गांव के लोग थे ये सब जो बैठे हुए हैं। कुछ लोग हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई बन गए थे और कुछ लोगों ने हाल ही में चर्च जाना भी शुरू कर दिया था। बाबा ने उनसे भी हाथ उठवाकर पूछा। कई हिंदू परिवार मिशनरियों के प्रभाव में थे। एक सामाजिक संगठन ने बागेश्वर धाम की राह दिखाई, ने बागेश्वर धाम से प्रभावित होकर फिर हिंदू धर्म में ये लोग आ गए। बाबा ने उन्हें अपने मंच के सामने बिठाया और घर वापसी करने आए लोगों को तिलक लगाया बाबा ने। बारी बारी से सबके पीले पटके पहनाए गए सबको। और घर वापसी करने वाले लोगों का मिशनरी पर बड़ा हमला है, कहा लालच देकर पहले हमारा धर्म परिवर्तन कराया गया इनका, उसके बाद कहा गया ईसाई धर्म अपनाओगे तो घर मिलेगा। अब ईसाई धर्म अपना लिया, फिर घर भी नहीं मिला। अब घर नहीं मिला तो हिंदू छोड़कर ईसाई बन गए, लेकिन घर नहीं मिला। एक ने ईसाई लड़की से शादी भी कर ली और शादी के बाद उसके सामने अजीब सी शर्त रख दी गई, वो ईसाई धर्म अपनाएगा तभी लड़की उसके घर जाएगी। शर्त और झूठ से इन लोगों का ईसाई धर्म से मोह भंग हो गया। बाबा बागेश्वर के सामने वापस हिंदू धर्म इन लोगों ने अपना लिया। उसके बाद घर वापसी को लेकर कट्टरपंथियों के निशाने पर बाबा बागेश्वर हैं। क्रिसमस के वक्त भी 350 लोगों की घर वापसी करवाई थी बाबा ने। बाबा के दरबार में आकर कई लोग पहले भी घर वापसी कर चुके हैं। सुनिए बाबा बागेश्वर को, वो घर वापसी पर क्या कुछ कह रहे हैं। आज अपनी इच्छा से धर्म जागरण मंच के साथ यहां पर आए हैं कि हमको पुनः, ये सनातनी ही है, कोई दूसरे धर्म में नहीं पहुंचा है, क्योंकि धर्म सिर्फ सनातन है। तो ये सनातन धर्म में पुनः अपनी संस्कृति को मानने का संकल्प लेने बागेश्वर धाम आए हैं। तो जितने लोग आज, ये जो 220 लोग में गांव हैं, और ये भी हम बता देते हैं कि हम किसी को बुलाते नहीं, ये भी हम तुम्हें बता देते हैं कि हमारा कोई कॉन्टेक्ट किसी से नहीं होता है, और तुम अगर बनते हो तो तुम आ जाओ। हम तो रामचरितमानस के अनुयायी हैं। रामायण में विभीषण जी राम जी की शरण में आए तो हनुमान जी ने मिलाने का काम किया और उनको भी अपनी पार्टी में सम्मिलित कर लिया। तो हम किसी भी पंथ के विरोधी नहीं हैं,
हम किसी भी पंथ के विरोध में नहीं हैं, हमें किसी भी पंथ से द्वेषता नहीं है, सनातन धर्म से कट्टरता है। तो बाबा घर वापसी करा रहे हैं और बाबा का छोटा भाई बंदूक लेकर लोगों को धमका रहा है। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बाबा बागेश्वर है, ये उनके छोटे भाई, बाबा बागेश्वर के छोटे भाई कई बार दरबार में उनके साथ बैठे हुए नजर आए, ये देख रहे हैं बाबा बागेश्वर के छोटे भाई। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं बाबा का भाई बंदूक लेकर घुस गया एक शादी समारोह में। फुल स्क्रीन लीजिए सर। भाई अब मैं आपको बताता हूँ बाबा बागेश्वर के भाई कौन है और ये क्या कर रहे थे वहां। हाथ में इनके बंदूक थी, बंदूक लेकर क्यों पहुंचे शादी समारोह में। दरअसल बाबा बागेश्वर के छोटे भाई विवाद में फंस गए। ये छोटे भाई, बाबा बागेश्वर के छोटे भाई का नाम है शालीग्राम और शालीग्राम के हंगामे का वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। शादी समारोह में धमकाते नजर आ रहे हैं शालीग्राम, मुंह में सिगरेट और हाथ में पिस्टल ताने दिखे तस्वीरों में। बाबा के भाई पर दलित परिवार से बदसलूकी का आरोप लगा है। आरोप है कि शालीग्राम ने दलित परिवार को धमकी दी है और बाबा के भाई ने गाली गलौज और मारपीट भी की है। 11 फरवरी का वाकया है जिस वक्त यह तस्वीर बताई जा रही है। सामूहिक विवाह में शामिल ना होने पर नाराज था बाबा का भाई। बागेश्वर धाम में 121 गरीब लड़कियों की शादी कराई गई थी और सम्मेलन में दलित परिवार की बेटी को भी शादी कराने को कहा गया था। दलित परिवार ने मना कर दिया और उन्होंने अलग से अपनी शादी समारोह संपन्न किया। तो खबर यह है कि इसी बात से नाराज होकर बाबा के भाई ने हंगामा कर दिया और बंदूक लेकर शादी में पहुंच गए। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। बाबा ने जब 121 कन्याओं की शादी कराई थी, ये आप देख रहे हैं बाबा बागेश्वर ने शादी कराई थी 121 कन्याओं की और इसी जगह उस दलित बेटी को भी आना था जिसमें नहीं आई, जिसके बाद बाबा का भाई बंदूक लेकर धमकाने पहुंचा।